Hello friends, good evening, this is Dilip here and welcome back to my channel on Secure Academy. Guys, in today's video I am going to discuss about the English pedagogy, which is very important for you guys because it plays important role in your exams. Okay, आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागॉजी की। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आप में अंदर, यानी कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो शायद आपको ही कहीं देखने को मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को पूरी तरह से हम डिटेल में इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, लेकिन अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखना, इसका फीडबैक जरूर देना, चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, पर आप इसको एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ अच्छा कुछ आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। तो भी दोनों पक्ष में इट डजंट मैटर। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने इज गिवन ओवर हेयर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसे जो क्वेश्चन ऐसे जो यहाँ पे जो लर्निंग यानी कि सीखने और सिखाने के जो आयाम होते हैं उनके सबसे ऊपर की डोमेन्स यानी कि सबसे हायर लेवल थिंकिंग्स और क्या बोलते हैं लोअर लेवल थिंकिंग दोनों की बात करते हैं। तो दोनों सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन से सही होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जिसके चार ऑप्शन इज गिवन ओवर हेयर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज योर हेयर रिमेंबरिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन एंड फोर्थ इज एवेल्युएशन। प्लीज टेल मी गाइज व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्वेश्चन इज गिवन हेयर व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि ऐसे कौन से डोमेन्स सीखने के जो डोमेन्स हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आते हैं। दो प्रकार के डोमेन्स हमने देखा जो एक ही पिरामिड्स में होते हैं, एक हायर लेवल, दूसरा क्या होता है लोअर लेवल ऑर्डर में होता है। तो इसमें कौन सा होगा बताएं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, ये क्या होता है हायर ऑर्डर स्किल्स में आते हैं। किसमें आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आते हैं ये लोग। कैसे, एक पिरामिड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक पिरामिड, ओके यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, देखते हैं एक पिरामिड इस तरह से, ऐसा शायद हमने देखा होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्लियर। सबसे पहले हमारे सामने क्या होता है, रिमेंबरिंग होता है। क्या रिमेंबरिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेंबरिंग। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या आता है, रिमेंबरिंग के बाद क्या आता है अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है अंडरस्टैंडिंग। तीसरे लेवल पे क्या आता है, थर्ड लेवल पे जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है अप्लाइंग होता है। क्या होता है अप्लाइंग। ओके, चौथे स्थान पे जो आता है, फोर्थ ऑप्शन पे क्या आता है हमारा अप्लाइंग के बाद क्या होता है एनालाइजिंग होता है। क्या होता है एनालाइजिंग। और ओके, वन टू थ्री फोर एंड फाइव फिफ्थ ऑप्शन क्या होता है एनालाइजिंग, मतलब क्या होता है इवेल्युएशन होता है। क्या होता है इवेल्युएशन। और लास्ट में जो आता है सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होती है वो हमारी क्रिएटिव होती है। क्या होती है क्रिएटिव या क्रिएटिंग। ओके, इस प्रकार से कुछ एक पिरामिड बना आपके सामने। हम देखते हैं हायर, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग्स। ओके, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग्स में क्या होती हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो यहाँ से जो थ्री होती हैं तीन, ये यहाँ की शुरू की तीन जो होती हैं, ये तीनों क्या होती हैं, ये लोअर ऑर्डर हैं। क्या होती हैं लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। ओके, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आती हैं। और यहाँ से शुरू की जो यहाँ तीन से, यहाँ से ये तीनों ये हायर ऑर्डर में आती हैं, हायर ऑर्डर में। ओके, हायर ऑर्डर में आती हैं, ये तीनों लोअर में आती हैं और ये तीनों हमारा हायर में आती हैं। तो इन तीनों में से हम देखते हैं कि इसमें दिया गया कि व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग्स। तो इनमें से हमें हमारे सामने सिर्फ एक ही मिल रहा है जो हमारे सामने क्या इवेल्युएशन है। क्या है इवेल्युएशन,
यही तो मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवेल्यूएशन हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एक बार देखते हैं अगर ऑडियो वीडियो सब सही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट गाइस। अगला क्वेश्चन गिवन हेयर, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, जो वर्ड के फॉर्मेशन होते हैं कंसिस्ट ऑफ किसे होते हैं, कंपाउंडिंग होते हैं एंड अफिक्सेस होते हैं, या फिर अपोजिट एंड मीनिंग्स होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 दिया है वर्ब्स एंड नाउंस होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इज गिवन हेयर यूजिंग सिनोनिम और। ओके, क्या होगा बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताएं चारों में से। बताएं, देखो द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है वो किस में बटा होता है, अफिक्सेस में बटा होता है, कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ओवर हियर, बिकॉज यू नो व्हाई, कैसे होता है हम बताते हैं, अफिक्सेस इसमें पड़ा होता है। देखो एक वर्ड लेते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक वर्ड हम लेंगे यहाँ पे, क्या होता है ये कार्ड, अनएक्सेप्टेबल, ए डबल सी ई पी टी ए बी एल ई, क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हमने एक वर्ड लिया क्या, अनएक्सेप्टेबल, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, एक अन में हो गया, दूसरा यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, तीसरा यहाँ पे एबल हो गया। अब जो हमारा अन है, अन हमारा क्या, देखते हैं ध्यान से देखिएगा, अन हमारा क्या है, ये अन क्या है, हमारा एन प्रीफिक्स है, क्या है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। एबल क्या है हमारा, सफिक्स, सफिक्स। और ये एक्सेप्ट क्या है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने एक वर्ड लिया अनएक्सेप्टेबल, दैट इज गिवन ओवर हियर। ओके, फर्स्ट अन इज प्रीफिक्स एंड एक्सेप्ट दैट इज रूट वर्ड एंड एबल इज सफिक्स। तो यहां पे अनएक्सेप्टेबल में ये देखो, ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनको हम अफिक्सेस कहते हैं, क्या कहते हैं अफिक्सेस, इन दोनों को हम क्या कहते हैं अफिक्सेस। और यहां पे दिया गया द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग्स एंड अफिक्सेस, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इंप्लाइज, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज गिवन हियर, चिल्ड्रन शुड बी डिफ्रेंशिएटेड एज बॉयज एंड गर्ल, यानी कि लड़कों और लड़कियों को क्या किया जाएगा, उनको लड़के और लड़कियों को क्या, बच्चों को लड़के और लड़कियों में विभक्त किया जाएगा, बांट किया जाएगा, भिन्न भिन्नता कर दी जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 दिएगा शिफ्ट सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड, जो सेक्स एजुकेशन है वो प्राइमरी स्कूल से ही देना चालू कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया कि रिस्पेक्टफुल अप्रोच टूवर्ड डिफाइनिंग जेंडर रोल, यानी कि नजरिया कैसा होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए जेंडर्स को लेकर, ना कि उसमें बायसनेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज गिवन हियर, क्या दिया गया है कि प्रमोट को एजुकेशन, क्या बोल रही है, प्रमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल। तो बताएं आप अपने अनुसार इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इंप्लाइज, यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो स्कूल के करिकुलम पाठ्यक्रम में कब से उसको लागू करना चाहिए, कब से इंप्लाई करना चाहिए बताएं, या क्या उसको देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इज ओवर हियर। ओके, यानी कि जो आपका रिस्पेक्टफुल अप्रोच होना चाहिए किसके, डिफाइनिंग द रोल जेंडर रोल्स, यानी कि किसी भी रोल्स को, किसी भी जेंडर को डिफाइन करते समय आपकी उसके उसके प्रति उसका नजरिया जो होना चाहिए वो आदर्शपूर्ण होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ये इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एन एग्जाम्पलर ऑफ अ क्वेश्चन टू फाइनल आर रजिस्टर्ड रिस्पोंडेंट आंसर इज,
what do you think about the weather? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर. एन एग्जांपलर ऑफ क्वेश्चन टू फाइनल आर रिस्ट्रिक्टेड रेस्पोंडेंट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वेदर. ऑप्शन नंबर बी इज गिवन हियर. हाउ मेनी बुक्स आर देयर. ऑप्शन नंबर सी इज देयर. ऑप्शन नंबर सी टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडेज. एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन हियर. व्हाट आर योर गोल्स. देयर आर द फोर ऑप्शंस इज गिवन हियर. यू कैन चूज your correct answers. First, I want to define the funnel. What is the meaning of funnel? That is given here. Funnel. What is the meaning of funnel? Okay, listen carefully what I am saying, guys. Funnel, that means the word. Funnel means the question, the sentence or the question which start from open-ended question. Which start from open-ended questions. Question, okay, and end at close ended question. यानी कि ऐसे questions जो start तो कहाँ से होते हैं, open ended question से start होते हैं, और जो end होते हैं वो किस पर होते हैं, close जो होते हैं वो close ended question से होते हैं. यानी कि ऐसे questions जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन. और यहाँ पे हमने जो दिया सब डब्ल्यू एच टाइप का ही क्वेश्चन है. पहला देख सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर. दूसरा दिया गया हाउ मेनी बुक्स आर देयर. थर्ड दिया गया टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिस्पेक्ट हॉलीडेज. ये तो होगा नहीं, पहले ही कैंसिल हो जा रहा है. और फोर्थ दिया गया व्हाट आर योर गोल्स. तो यहाँ पे डब्ल्यू एच से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वही तो इसका आंसर होगा. लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है क्योंकि तीन ऑप्शन यहां पे सही हो रहे हैं. ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं. लेकिन हमने कहा क्या कि जो भी क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो डब्ल्यू एच टाइप से स्टार्ट होते हैं और क्लोज कहां पे होते हैं, एंड होते हैं यस आर नो पर. तो हम सबसे सटीक देखते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि सबसे सटीक क्या हो सकता है. इसमें वही आंसर सही होगा जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा लेकिन उसके आंसर यस आर नो में दे सकता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर, यानी कि मौसम के बारे में क्या सोचते हैं. क्या आप इसका उत्तर एक वन वर्ड में दे सकते हैं, क्या उत्तर इसका यस आर नो में, यानी कि यस आर नो का मतलब वन वर्ड में, एक वर्ड में दे सकते हैं, नहीं कभी नहीं, तो ये इसकी व्याख्या नहीं होगी. दूसरा बात करते हैं हाउ मेनी बुक्स आर देयर. अगर हम कहें वहां पर कितनी किताबें हैं तो हम कहें देयर आर फाइव बुक्स, वहां पर पांच किताबें हैं, तो इसका उत्तर हम एक वन वर्ड में दे सकते हैं. तो यहां पे ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक बैठता है और यही सही हो जाएगा. ओके, अगर हम बात करें टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडेज, अपने जल्दी में अपने महत्वपूर्ण हॉलीडे छुट्टियों के बारे में बताओ, इसका क्या इसका उत्तर देना वन वर्ड में संभव है, बिल्कुल नहीं है. फिर अगर लास्ट क्वेश्चन कहें कि व्हाट आर योर गोल्स, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, क्या उसका वर्ड आप यस आर नो में दे सकते हैं, उत्तर नहीं दे सकते हैं. इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर. ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर. एन एग्जांपल ऑफ लिंकिंग अवेबिलिटीज. ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी दीज, ऑप्शन नंबर सी सो, ऑप्शन नंबर डी योर्स. तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, प्लीज टेल मी. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. ओके, आपका जो लिंकिंग अवेबिलिटीज होते हैं क्या होते हैं, लिंकिंग अवेबिलिटीज मीन्स क्या होता है, जिसे हम कनेक्टर्स कहते हैं. एडवर्बियल्स मीन्स क्या होता है, क्या होते हैं ये लोग, इनका मतलब क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं. क्या कनेक्टर मतलब हुई ज्वाइन टू वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस. लिंकिंग एडवर्बियल्स दैट इज कनेक्टर्स हुई ज्वाइन टू वर्ड टू फ्रेज आर टू सेंटेंस दैट इज कॉल्ड कनेक्टर्स. और इसमें कनेक्टर्स क्या होते हैं हम देखते हैं. द जो द है
दो हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल ओ होगा नहीं। दूसरी बात, दीज दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज दैट इज द दैट कैन बी कॉल्ड चेंज प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। ओके, तो डीज जो होते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउंस दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। बात करते हैं योर्स की, योर दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव है, दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड सो दैट इज योर लिंकिंग एडवर्बियल्स एंड दैट इज कनेक्टर्स। सो तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑफ नंबर सी हो जाएगा, दैट इज कनेक्टर्स, क्योंकि सो किसी सेंटेंस के अनुसार से हम किसी सेंटेंस को हम सो से जोड़ सकते हैं। ओके, इधर क्लियर माई पॉइंट, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एन इंक्लूसिव क्लॉज इज दैट इन व्हिच, यानी कि एक ऐसी समावेशी कक्षा होती, समावेशी कक्षा वही होती है जिसमें क्या होती है, क्या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रनर्स स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन हियर, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट नेशनलाइजेशन स्टडीज टूगेदर, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन स्टडी टूगेदर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टूगेदर। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन इज गिवन हियर एंड इन एक्सक्लूसिव क्लॉज इज दैट इन व्हिच, यानी कि एक समावेशी कक्षा वही होती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल यानी कि जो सही बच्चे होते हैं, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो जिसे दिव्यांग कहते हैं, यानी विकलांग नहीं कह सकते, जिसे दिव्यांग बच्चे नॉर्मल बच्चे के साथ स्टडी करते हैं, क्या ये इंक्लूसिव क्लास होगी। दूसरा दिया गया है स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट नेशनलाइजेशन ओके स्टडी टूगेदर, यानी कि भिन्न भिन्न मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सी दिया गया है स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन स्टडी टूगेदर, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के बच्चे, यानी कि अलग अलग समुदाय के बच्चे, अलग अलग धर्म के बच्चे एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं, या फिर बोथ बॉयज एंड गर्ल स्टडी टुगेदर, या लड़कों और लड़कियां जहां एक साथ स्टडी करते हैं, तो बताइए क्या हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट, यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चे के साथ स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं, अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर, स्टूडेंट ए एंड बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट ए वर्कशीट, दिस इज यह क्या है, यानी कि कोई स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी से क्या करता है, क्वेश्चन आंसर पूछता है एक वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए, ये किस प्रकार की एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर दिया गया ये रोल प्ले है, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये रोल सॉरी एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी है, या ऑप्शन नंबर डी इज गिवन हियर एंड कंट्रोल्ड इंटरव्यू है। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, कम ऑन, क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी है, एक इंफॉर्मेशन गैप क्या होती है एक्टिविटी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, मूव करें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दिस वन एंड दैट इज द लास्ट आंसर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, दैट इज क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज फेयर, बताएं क्या हो जाएगा, एक गाइडलाइंस है विद मार्किंग स्कीम, या क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स, या जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टेटफुल एबिलिटी, या स्कोरिंग अकॉर्ड, बताएं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज या और, यानी कि जब मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या क्या माप करते हैं, मानदंड करते हैं, ए गाइडलाइन विद मार्किंग स्कीम, या एक क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, और स्कोरिंग कीज, क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन आंसर गाइस, सॉरी फॉर दैट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, यानी कि जो बच्चे की जनरल इंप्रेशंस होती हैं उसी का जो जांच करते हैं, आकलन करते हैं हम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी। तो इस प्रकार आप गाइज बता सकते हैं कि इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज़।